सर गुड मॉर्निंग सर, खराब संकेतों की आप कह सकते हैं लिस्ट में कोई कमी नहीं आई है और कोई एडिशन भी नहीं है, वो जस की तस बनी हुई है। आज हम क्या एक्सपेक्ट करके चलें सर हमारे मार्केट के लिए? गुड मॉर्निंग नेहा, देखिए उसमें कोई डाउट ही नहीं कि सब तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं वो बेहद खराब है और कहीं कोई राहत की आसार भी नहीं दिख रहे कि तेज गिरावट होने के बाद कहीं कोई डाउ फ्यूचर्स में रिकवरी के या अच्छी मजबूती के संकेत हो। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय बाजार भी ग्लोबल संकेतों के दम पर कमजोरी थोड़ी और दिखाएंगे ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक अहम लेवल के नजदीक पहुंचे हैं जो मनोवैज्ञानिक स्तर है 16,000 का। 16,000 के नीचे जाने पर थोड़ा और ज्यादा खराब लगता है, तो हालांकि वहां से हम 300 पॉइंट दूर हैं। तो आज फिर से एक और गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी, तो उसके बाद देखते हैं कि भारतीय बाजार एक छोटी सी रेंज में कली की तरह ट्रेड करते हैं या फिर 16,000 के नीचे फिसल जाते हैं। आज के लिए तुरंत जो सपोर्ट है वो 16,000-16,150 की रेंज का रहेगा। इस रेंज में खुलने के बाद हम वक्त बिताएंगे, अगर कमजोरी बढ़ी ग्लोबल मार्केट में और अगर बिकवाली का दबाव बढ़ा तो फिर हम 15,700-15,800 की रेंज में पहुंचेंगे। अदरवाइज मेरे ख्याल से इन लेवल के आसपास सपोर्ट देकर हम रुकते हुए नजर आएंगे। जहां तक ऊपरी लेवल का सवाल है, 16,300 से 16,400 अब आज के लिए वो रेंज होगी जहां पर आपको रुकावट गिरावट देखने को मिलेगी और वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती भी नजर आएगी। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 33,934 तुरंत सपोर्ट है, अगर इसके नीचे फिसलता तो फिर गिरावट 500 पॉइंट की और कम से कम बन सकती है बैंक निफ्टी में, क्योंकि उसके बाद तुरंत कोई नजदीक में सपोर्ट है नहीं। ऊपरी स्तरों पर 34,575-34,775 ये बैंक निफ्टी की वो रेंज होगी जहां पर आपको सप्लाई आते हुए दिख सकती है। तो ओवरऑल ग्लोबल संकेत काफी कमजोर है और इन कमजोर ग्लोबल संकेतों के दम पर भारतीय बाजार भी खराब तो होने निश्चिंत है, लेकिन एक चीज है कि थोड़े मार्केट ओवर सोल्ड है, पोजिशन कम है, FIs की इंडेक्स लॉन्ग पोजिशन भी 30% पर है, तो मतलब उतने ज्यादा लीवरेज नहीं है, ये एक अच्छी बात है कि जहां पर पोजिशन थोड़ी सी कम है। लेकिन अल्टीमेटली नुकसान कैश मार्केट के स्टॉक्स में भी होता हुआ आपको नजर आएगा, तो दोनों ही तरफ आपको थोड़ा सा सावधानी के साथ ट्रेड करना है। वॉलेटिलिटी बरकरार रहेगी, बीच बीच में रिकवरी भी आएगी और उस रिकवरी में आपको अपनी पोजिशन तेजी की अगर है तो हल्की करनी चाहिए। पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर आपको बहुत सतर्क होकर कारोबार करना है, जो रेंज दी है उसे डिसिप्लिन से फॉलो करें और जैसे ही जितना वॉलेटाइल सेशन है आपको नीचे स्तरों से रिकवरी भी दिखेगी, तो इन सब पर जरा फोकस करके चले। निफ्टी में 16,000-16,150 ये सपोर्ट रेंज का काम करेगा, ऊपर रुकावट 16,300 से 16,400 के पास बनती हुई सर को दिख रही है। बैंक निफ्टी में 33,900 से 34,000 ये सपोर्ट रेंज का काम करेगा और वहीं ऊपरी लेवल पर 34,575-35,000 ये एक रेंज होगी जहां पर बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखेगा। ब्रॉडर मार्केट्स में क्या करना है ये तो आपने जान लिया।